कई वर्षों से प्रवासी कामगारों को ये इसको ध्यान दीजिए कि आजकल यही सबसे ज़्यादा जिक्र है, खासतौर से कोविड के बारे में। तो मैं प्रवासी कामगारों और संसाधन विहीन बच्चों के शिक्षा, समग्र विकास और अधिकार के लिए काम पिछले कई सालों से मैं इनको चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू एम्पावर देम विद नॉलेज एंड वेरियस स्किल so that then they can grow to become responsible citizens। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप कहते हैं पीछे कोशिश हो रही है, ये अपने परिवार के फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। इनके परिवार में कोई जो इन लोगों को गाइड कर सके, सपोर्ट कर सके। और आजकल का जो शिक्षा शिक्षा का तरीका है, उसमें बच्चे किसी भी कोचिंग या किसी के गाइडेंस से नहीं काम करते। तो वो काम हम लोग कर रहे हैं, इन बच्चों को ये आते हैं, पढ़ते हैं, इनके हर चीज़ में इनको मदद देते हैं, जिससे कि ये लोग मोटिवेटेड रहें और ड्रॉप आउट ना हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है ड्रॉप आउट वाली है। तो जितने बढ़ रहे हैं मौलिक शिक्षा के मौलिक अधिकार के बाद, जितने बच्चे की संख्या बढ़ रही है उतनी ही लगभग ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ रही है। तो मैं यही चाहती हूँ यहाँ का कोई बच्चा ड्रॉप आउट नहीं, बल्कि कई जगह फिर से संस्था कितने सालों से कार्य कर रही है? 2007 से काम कर रहे हैं। अब तक कितने बच्चे ऐसे बच्चे के हेल्प कर रही है? मुझे तो लगता है अकेली अपनी मेरे पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, मुझे कोई कॉर्पोरेट और या सरकारी फंडिंग नहीं मिलती है। मेरे वेल विशर्स हैं, इनकी वजह से जो सपोर्ट मिलता है। फाउंडेशन जो उसकी निर्देशिका है दिव्या शुक्ला जी, उनका ये फाउंडेशन है, इसमें ये उन बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देती है जो संसाधन नहीं और मेधावी भी है। तो जो बच्चे अपने इन कोचिंग में यहाँ पर जो अपने अच्छे मार्क्स लाते हैं, जो इनकी कोचिंग लेते हैं और अच्छे एक्सेल करते हैं अपने हाईस्कूल में हो चाहे वो नाइन्थ में हो, उन बच्चों में जो हाई स्कूल का टॉप आउट होता है उसको 5,000 रुपये का माई मदर की स्मृति में सारा है उनके लिए लगाया है। सर 19 वर्ष 19,000 पिछले बच्चों को आज ये पुरस्कार दिया है। 4 बच्चों को दिया गया है, उसमें एक तो हाइएस्ट पुरस्कार 5,000 रुपये कैश अवार्ड, 10 प्रशस्ति पत्र दिया जाता है उसको, और बाकी 1,000 रुपये के 3 और पुरस्कार हैं जो कि मेरे एक फादर की स्मृति में दिया जाता है, एक मेरे बड़े भाई साहब की स्मृति में और एक छोटा भाई जो कि 1984 में उसकी अकाल मृत्यु हो गई थी। तो मतलब ये हमारे ही परिवार के लोगों की स्मृति में ये सारे सम्मान समारोह रखा जाता है। कितने वर्षों से कर रहे हैं ये? 3 वर्षों जब 4 वर्षों 19 से लेकर अभी तक कर रहे हैं, 22 तक आगे भी करेंगे। आगे क्या और भी कुछ बढ़ाने का प्रोग्राम है? अभी जो देखिए ऐसा हम लोग पुरस्कार राशि है, बहुत से लोग आते हैं हमसे पूछते हैं कि भाई वो लोग भी कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं। हो सकता है कि हमारे मैं पावर कॉर्पोरेशन में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर था, वहाँ से तैयार हुआ और उसके बाद सेकेंडरी लेखन भी करता हूँ। तो हमारे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत से लोग जो आते हैं यहाँ आ चुके हैं, कई बार आए हैं, इस बार अच्छी सहयोग का विश्वास बन गया। तो वो लोग भी आते हैं, वो देखते हैं, प्रभावित होते हैं, तो वो लोग भी कहते हैं कि भाई हमारी तरफ से भी पुरस्कार। एक साहब आने वाले थे लेकिन वो उनको कलकत्ता जाना पड़ गया, वो नहीं आए, वो भी इसमें शामिल होते हैं। आगे हो सकता है जैसे आपने कहा कि पुरस्कार और बढ़ाए जा सके, और बच्चों को दिया जा सकता है।